Hello everyone, welcome back again to my official YouTube channel. मैं करण अरोड़ा, founder and CEO iTronic Solutions, आप सभी का स्वागत करता हूँ. आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बैट यानी कि बेसिक अटेंशन टोकन के बारे में. बैट के फंडामेंटल को समझने से पहले यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करूँगा, उसको बहुत ध्यान से सुनना, आपको उससे पूरे फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे. उसके बाद हम इसकी प्राइस प्रेडिक्शन की बात करेंगे. तो ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. बहुत सारी ऐसी नॉलेज होगी जो आपको भी नहीं पता होगी, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी बताने वाला हूँ. सबसे पहले बात करेंगे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री की. अब एडवर्टीजमेंट जब हम करते थे तो पहले लोग क्या करते थे, बिलबोर्ड्स होते थे, बाहर हुडिंग्स लगती थी, उसके थ्रू एडवर्टीजमेंट करते थे, या फिर टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टीजमेंट करते थे. बट आज के टाइम पे जो एडवर्टीजमेंट है वो टोटली चेंज हो चुकी है. आज एडवर्टीजमेंट की जाती है सर्च इंजन्स पे. अगर मैं गूगल पे लिख रहा हूँ लेट्स से बेस्ट होटल्स इन मनाली, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ADADAD दैट मीन्स ये एड्स लगी हुई हैं booking.com, मेक माई ट्रिप की और ट्रिप एडवाइज़र की. तो यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट इस तरह से चल रही है. या मैं अगर यूट्यूब पे, अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं देन आपको वहाँ पर भी ऐड दिखी होगी. उसके बाद अगर आप फेसबुक चलाते हैं देन फेसबुक के ऊपर आपको स्पॉन्सर्ड एड्स दिखाई जाती हैं, वहाँ पे भी आपको एड्स दिखाई जाती है. मतलब आज की जो इंडस्ट्री है वो पूरी की पूरी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट के अंदर आ चुकी है, जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग भी बोलते हैं. लेकिन इसमें बेनिफिट किसका है? आप मेरी वीडियो पे ऐड देख रहे हैं, क्या आपको उससे कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ. इवन आप समटाइम इरिटेट भी होते होंगे, ये एड्स क्यों आती हैं. यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का बिजनेस है और मैं यूट्यूब पे ऐड चलाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे किसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे यूट्यूब को बोलता हूँ या गूगल को बोलता हूँ, गूगल एड्स के थ्रू आप गूगल एड्स पे जाएं, वहाँ से कैंपेन बनाएं. कैंपेन बनाने के बाद आप अपनी एडवर्टीजमेंट को रन कर सकते हैं. कैंपेन बनाने के बाद मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि किस वीडियो के ऊपर मेरे को अपनी ऐड चलानी है. तो मैं वहाँ पर एड बनाऊंगा, कैंपेन बनाऊंगा, और मैं पेमेंट किसको दे रहा हूँ, गूगल को दे रहा हूँ. गूगल क्या करती है, लेट्स से मैं गूगल को 100 रुपीज़ पे कर रहा हूँ कि मेरी जो ऐड है वो पर डे की 100 रुपीज़ की आपको चलानी है. अब गूगल क्या करती है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50% अमाउंट वो अपने पास रख लेती है, 50 रुपये अपने पास रखेगी और 50 रुपये जिस वीडियो के ऊपर ऐड चलाएगी उसको दे देगी. फॉर एग्जांपल आपने ऐड चलाई, आपने यूट्यूब को बोला, गूगल को बोला कि मेरी ऐड चला दो, और उसने मेरी वीडियो पे ऐड चला दी. अब मेरी वीडियो पे उस ऐड को जितने लोग देखेंगे, जितना आपका बजट था, जितना आपने बोला था कि मैं 1000 एड्स व्यूज़ का 100 रुपये देता हूँ, तो 1000 अगर एड्स व्यू हो जाएंगी तो गूगल उसके मेरे को 50 रुपये दे देगा. ठीक है, जस्ट ये एक एग्जांपल दी है मैंने. तो बीच में क्या था, एक मिडल मैन था. कौन था वो? गूगल था. अब आप गूगल को कितना पे कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, गूगल फर्दर मेरे को उस ऐड का कितना पे कर रही है मुझे नहीं पता. तो यहाँ पे क्या होता है कि ये अनबायस्ड है, यहाँ पे पता ही नहीं है कि एडवर्टाइज़र गूगल को जितना पे कर रहा है क्या उतने की ऐड गूगल दिखा भी रहा है, या जो पब्लिशर है या जो जिसकी वीडियो है क्या उसकी वीडियो को उतने पैसे मिल रहे हैं. या ये तो नहीं है कि आपने 100 रुपये की ऐड चलाई और गूगल मेरे को 50 देने की बजाय उसमें 10 रुपये दे रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें बैकएंड पे दिखाई नहीं जाती. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, आप वीडियो को देख रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट मिला? नहीं मिला. यहाँ पे यूज़र को कोई बेनिफिट नहीं है. और इवन आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपने मेरी इस वीडियो के ऊपर ऐड देखी है तो आपको वही ऐड दिखी है जिस ऐड को आप देखना चाहते हैं. अगर क्रिप्टो के रिलेटेड अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस की ऐड आपको ज़्यादा दिखे, कि ये पर्टिकुलर XYZ एक्सचेंज है, इसके ऊपर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, डीमैट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, इस तरह की एड्स आपको ज़्यादा दिख सकती हैं. अगर आप अमेज़ोन के ऊपर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो आपको मेरी वीडियो के ऊपर अमेज़ोन की ऐड भी दिख रही होगी. तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कंटेंट जो है वो देख रहे हैं उसके रिलेटेड एड्स. मतलब बैकएंड पे गूगल जो है बहुत सारे ट्रैकर्स को यूज़ करती है जिससे आपकी एक्टिविटी को ट्रैक किया जाता है, और उस एक्टिविटी को ट्रैक करने के बाद आपको उसी तरह की एड्स दिखाई जाती हैं. यहाँ पर मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है. जो बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो यहाँ पर डेटा को उठाते हैं, डेटा को स्क्रैप करते हैं, डेटा को फेच करते हैं, फिर उस डेटा के साथ क्या किया जाता है, उसके ऊपर डेटा को एनालाइज़ किया जाता है, मशीन लर्निंग के ऊपर उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है, उसके बाद आपको उस तरह की ऐड दिखाई जाती है. मेरी प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारी मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिकमेंडेशन इंजन की वीडियोस ऑलरेडी पड़ी हैं. जैसे यूट्यूब आपको वीडियो रिकमेंड करती है, अमेज़ॉन आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है, नेटफ्लिक्स आपको मूवीज़ रिकमेंड करती है. तो वो कैसे करती है, मीन्स आप जो सर्च करते हैं वो उसी डेटा को यूज़ करके उसी डेटा को मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको रिकमेंडेशन की जाती है. क्या आपके डेटा के साथ आपको ही क्या दिखाई जा रही है, ऐड दिखाई जा रही है. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यहाँ पे
बैट जिसको बोलते हैं बेसिक अटेंशन टोकन। तो बैट एक डिजिटल एडवर्टाइजिंग टोकन है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बना है। इसका पर्पस यही था इस टोकन को क्रिएट करने का कि यहाँ पे जो एड एक्सचेंज मार्केट प्लेस है उसको कनेक्ट किया जाए एडवर्टाइज़र पब्लिशर और यूज़र्स जितने भी हैं सभी को कनेक्ट करें एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर के अंदर, जिसके अंदर कोई भी यहाँ पे थर्ड पार्टी या कोई भी मिडल मैन बीच में ना हो। कोई भी बीच में गूगल या फेसबुक ट्विटर लिंक्डइन जहाँ पे भी आप एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं बीच में थर्ड पार्टी कोई भी मिडल मैन पर्सन हमें बीच में नहीं चाहिए। यहाँ पे जो रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे यूज़र को भी मिलेगा, पब्लिशर को भी मिलेगा, एडवर्टाइज़र को भी मिलेगा। अभी तक आप ये चीज़ देखो, अभी तक अगर आप मेरी वीडियोज़ के अंदर एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं देन आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, आपको कुछ भी पे नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे एड्स को देखते हैं बैट के थ्रू बेसिक अटेंशन टोकन के थ्रू देन आपको एज अ रिवॉर्ड बैट टोकन दिया जाएगा। अब ये कहाँ पे वर्क करता है, ये ब्रेव ब्राउज़र के ऊपर वर्क करता है। अगर आपको नहीं पता ब्रेव ब्राउज़र क्या है तो मैं आपको बता दूँ, ये एक सबसे सिक्योर ब्राउज़र है, सिक्योर ब्राउज़र और सबसे फास्ट ब्राउज़र है। सिक्योर ब्राउज़र और भी, अगर आप टोर ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसको थोड़ा और सिक्योर बोलते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट है और ये जितनी भी एड्स हैं उन सभी एडवर्टीजमेंट को ब्लॉक कर देता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ ब्रेव ब्राउज़र की कुछ एग्जांपल्स। अब यहाँ पे देखो मेरा ये मशीन लर्निंग का ब्लॉग है जिसके ऊपर आपको एड्स दिखा रहा है ब्रिटिश काउंसिल की, और उसके नीचे आपको यहाँ पे फर्दर और एड्स दिखाएगा, जैसे यहाँ पे कॉर्सेरी की एड्स लगी हुई हैं क्योंकि इसके मशीन लर्निंग रिलेटेड यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है, कैसे फेस डिटेक्ट करना है ये सारी चीज़ें, और उसके नीचे आपको एड्स भी दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात कर रहा था ब्रेव ब्राउज़र की। यहाँ पे देखो इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर क्रोम, तो मैं जो चीज़ यहाँ पे सोच रहा हूँ ना तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे समझ लेता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। इतनी फास्ट इनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इवन आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना, तीन चार लोग एक ग्रुप में बैठ देना, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देना और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर देना। जब आप फ़ोन ऑन करोगे तो आप डेफिनेटली नोट करोगे, आपको उसके रिलेटेड ऐड दिखाई जाएंगी, गारंटीड है। ट्राई ज़रूर करना और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप देखो यहाँ पे मेरे को एड्स दिखा रहा है तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोम को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यही वेबसाइट अगर मैं ब्रेव ब्राउज़र के अंदर ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखो कोई ऐड नहीं है। और इवन यहाँ पे दिखा रहा है कि यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर एक ऐड ट्रैकर लगा हुआ है जो आपको ट्रैक कर रहा है, आपकी लोकेशन ट्रैक कर रहा है, आपका आईपी एड्रेस ट्रैक कर रहा है, आप किस लोकेशन से हैं, आपके यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ट्रैक कर लिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रैक की जा रही हैं। यहाँ पर देखो कोई ऐड नहीं है, बिल्कुल कंटेंट दिखा जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो डायरेक्टली मेरा जो कंटेंट है वो ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से कोई ऐड मेरे को नहीं दिखा रहा। बट यही चीज़ अगर मैं फर्दर अपने इस यहाँ पे किसी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो ऐड आ गई सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले ऐड आई, क्लोज़ किया, तब जाके कंटेंट हुआ। तो अगर आप किसी भी वीडियो को बिना एड्स के देखना चाहते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पे यूट्यूब को ही ओपन करता हूँ, यूट्यूब को ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी देखो आपको किसी भी वीडियो के ऊपर ऐड नहीं दिखाई जाएगी। अगर मैं ये अपनी वीडियो ओपन करता हूँ यहाँ पे, आप स्टिल यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर भी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चली। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेनिफिट मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप मेरी वीडियोस को देखेंगे वहाँ पे एड्स आएंगी, ऐड के ऊपर क्लिक होगा तो मेरे को पैसे मिलेंगे, या ऐड को व्यू भी किया जाएगा तभी मेरे को पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यूज़र है, जो आप हैं, आपको तो कुछ भी नहीं मिल रहा, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, यहाँ पे आपको देखो अगर आप यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं अपने वॉलेट को, या जितना भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं, जितनी भी एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, वो सारी सेटिंग्स आपको ऑन करनी पड़ेंगी, तो आपको एज अ रिवॉर्ड यहाँ पे बैट टोकन दिया जाएगा। इसके ऊपर डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फंडामेंटल्स बताने मेरे को बहुत ज़रूरी थे। अब बात करेंगे फर्दर इस बैट के बारे में और इसमें क्या आपकी एडवांटेजेस हैं। तो ब्रेव ब्राउज़र बिल्कुल फ्री है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्रोमियम ब्राउज़र के ऊपर बेस्ड है। अगर आप लिनक्स सिस्टम को यूज़ करते हैं देन डेफिनेटली आपने क्रोमियम ब्राउज़र को यूज़ किया होगा, उसी क्रोमियम ब्राउज़र को यूज़ करके ब्रेव ब्राउज़र बना है, और जो आपकी एडवर्टीजमेंट है वो इसी ब्राउज़र के ऊपर रन करेंगी। और अगर किसी भी एडवर्टाइज़र को कुछ एडवर्टाइज़ करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली एडवर्टाइज़ कर सकता है किसी भी बिना मिडल मैन के। ये जो ब्रेव ब्राउज़र बनाया है या बैट टोकन बनाया है, किसने बनाया है, ये ब्रेव सॉफ्टवेयर इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे कंपनी है जिसने ब्रेव ब्राउज़र बनाया, और उसी ने ही यहाँ पे बैट टोकन को भी बनाया। और जो ब्रेव ब्राउज़र है वो गूगल क्रोम से 3 times फास्टर है। अगर आप नहीं विश्वास कर रहे तो आप एक बार इसको डाउनलोड कीजिए और चेक करिए, आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो जाएगा। 2017 में इसका ICO लॉन्च हुआ था और इतनी फास्ट सेलिंग हुई थी कि इन्होंने 1 minute के अंदर अंदर $35 million के फंड रेज कर लिए थे। और बेसिक अटेंशन टोकन के 2 founder हैं, ब्रेंडन आइच और ब्रायन बोंडी।
ये दोनों के ही अगर एक्सपीरियंस की बात की, दोनों को अगर कंबाइन किया जाए 50+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। ब्रेंडन आइज CEO हैं ब्रेव सॉफ्टवेयर के, जिन्होंने ब्रेव ब्राउज़र को बनाया, और उनका अपना एक बेसिक अटेंशन टोकन है जिन्होंने बैट को बनाया। ये CTO थे मोजिला के, और इन्होंने इन्वेंट किया था जावास्क्रिप्ट को 1995 में, और इन्होंने लॉन्च किया था सबसे मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउज़र मोजिला फायरफॉक्स को इन 2004। ब्रायन बॉन्डी ने भी ज्वाइन किया था ब्रेव को और बेसिक अटेंशन टोकन को एज अ CTO। बॉन्डी भी बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस इंजीनियर है, जिनका पास्ट एक्सपीरियंस की अगर बात करें, ये सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे मोजिला फायरफॉक्स में और सॉफ्टवेयर डेवलपर थे कॉरल कॉर्पोरेशन के अंदर। अगर आपने कॉलरा वगैरह यूज़ किया होगा, देन आपको पता होगा कॉरल क्या है, तो उसमें अंदर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लीड भी थे ये खान अकेडमी के अंदर। सो ये थी पूरी स्टोरी बेसिक अटेंशन टोकन के अंदर। मेनली ये एडवर्टीजमेंट जो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री है उसको चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप खुद से ही क्लिक कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एडवर्टाइज़र होता है जिसने यहाँ पे एड्स रन की होती हैं, तो उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से नहीं मिल पाती। अगर जैसे मेरी वेबसाइट के ऊपर ऐड लगी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जितने बार ऐड के ऊपर क्लिक होंगे तो मेरे को पैसे मिलेंगे। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अलग अलग यूज़र के पास जाऊँगा या उसको बोलूँगा यार मेरी ऐड के ऊपर क्लिक कर दो, ऐड के ऊपर क्लिक कर दो, ऐड के ऊपर क्लिक कर दो। मैं खुद ही क्लिक कर रहा हूँ तो, या मैं खुद ही फेक ट्रैफिक लेके आ रहा हूँ, ट्रैफिक भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ और ऐड के ऊपर भी क्लिक कर रहा हूँ, तो जिससे क्या हो जाएगा, फेक क्लिक्स हो रहे हैं लेकिन यूज़र को तो कुछ रिटर्न नहीं मिल रही, तो ROI उसकी बहुत डाउन चली जाएगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था ताकि यूज़र को प्रॉपर अटेंशन मिल सके, प्रॉपर वो यहाँ पे उसको ROI मिल सके, जिसके थ्रू जितना उसने स्पेंड किया है उसकी लीड कन्वर्ट हो सके बिना किसी मिडल मैन के। तो बहुत ही पावरफुल यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को चेंज कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है, डेफिनेटली मैं इसको रिकमेंड करूँगा। और ये टॉप 100 टोकन में से एक है, अगर हम इसकी बात करें टॉप 100 क्रिप्टोकरेंसीज के अंदर, बैट जो है इसका रैंक 80 नंबर पे आता है। 95% यहाँ पे इसकी जितनी सप्लाई थी वो सर्कुलेटिंग में आ चुकी है। अब बात करेंगे इसके कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो 38.699 के अराउंड चल रहा है, और यहाँ से इसको जूम इन करते हैं तो INR के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द यूज़र जो हैं वो यहाँ पे WazirX को यूज़ करते हैं और INR के अंदर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे INR के अंदर मैं बात करूँगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, और इस ट्रायंगल को ये बहुत जल्दी ब्रेकआउट करेगा, और इसमें जो रेड लाइन है 46 की, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 46 के ऊपर अगर ये ऊपर जाता है तो उसके बाद वो नीचे की तरफ आएगा, जो कि चांसेस अभी इस बियर मार्केट में 46 तक जाने के बहुत रेयर चांसेस हैं। अभी जो इसकी अगर हम बात करें तो 40 रुपीज़ के अराउंड इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस थी वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, 40 के बाद डेफिनेटली नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे ये जो ब्लैक लाइन है और यहाँ पे ये जो ब्राउन लाइन है, ये इन दोनों का जो गैप है ये हमारी एक सपोर्ट है। अगर 36 की सपोर्ट ब्रेक होती है देन नेक्स्ट 32 के अराउंड आपको इसका प्राइस देखने को मिलेगा। आज ऑलरेडी इसका प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर की तरफ पंप हो चुका है, 34 के अराउंड इसका प्राइस था और मैक्सिमम ये 39 के अराउंड पहुंच चुका है। तो जिसने कल 34 के अराउंड लिया होगा तो आज 39 के ऊपर सेल आउट कर दिया होगा। ऑलरेडी पूरी मार्केट ग्रीन में चल रही है, तो अब चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ डाउन जाएगी। अगर मार्केट अभी भी बुलिश रहती है तो इसका मैक्सिमम प्राइस जो है वो आपको 43 के अराउंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करके, इस ट्राइंगल की जो बाउंड्री है उसको टच करके नीचे की तरफ यहाँ पे डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और फिर से 36 को ब्रेक करके जो इसका नेक्स्ट लेवल है 32 के अराउंड मिलेगा। तो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको बैट को परचेज करना है तो अभी आप वेट कीजिए। फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए कि कितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं। आपको अगर इसको बाय करना है तो एटलीस्ट 32 रुपीज़ के अराउंड अगर इसका प्राइस आता है देन डेफिनेटली आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। 32 में भी आपको पूरा पैसा नहीं लगाना है, आप 30% अमाउंट लगाओ। अगर 27,400 के अराउंड आता है देन 50% अमाउंट आप लगा सकते हैं, और अगर और नीचे आता है देन बाकी की जितनी अमाउंट है आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार यहाँ नीचे आने के बाद डेफिनेटली एक शॉर्ट रिकवरी देगा और उस शॉर्ट रिकवरी में हमारे जितने लॉसेज हैं अगर पास्ट के वो रिकवर हो सकते हैं। इस टाइम पे ऊपर अगर आप एंट्री ले लेंगे तो दोबारा 40 रुपीज़ के आने के चांसेस इसके बहुत कम हैं। ऑलरेडी मार्केट जो नीचे क्रैश हुई थी वो पूरी की पूरी उसी पॉइंट के ऊपर आ चुकी है, यहाँ पे रिकवर हो चुकी है। तो जिसने भी कल एंट्री ली होगी जिस पॉइंट के ऊपर, और आज अगर वो दोबारा उस प्राइस के ऊपर आपको वो सारी क्रिप्टो मिल चुकी हैं तो उन्होंने वो सारी की सारी सेल आउट कर दी होंगी, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर भी ट्रेड देखा होगा। जिसने लोएस्ट प्राइस के ऊपर यहाँ पे बाय किया होगा वो आज सारे के सारे प्रॉफिट में होंगे।
तो यहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेना है। तो अभी मैं यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ट्रेड लें, एटलीस्ट इसको 32 के पास आने दें, ये बहुत जल्दी ब्रेक कर देगा। ये जो 36 की रेजिस्टेंस है, जैसे 36 की ब्रेक करेगा 32 के आसपास आएगा, तो आप अपनी बिड 32.0001 पे प्लेस कर सकते हैं। अगर आप 32 पे लगाएंगे, बहुत सारे लोगों ने 32 पे जो है बिड लगाई होगी, तो आप 32.005006 के ऊपर आप लगाएं, ताकि आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएं कि आपका जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाए। जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस होगा 32 के बाद, एक बार 36 को वो डेफिनेटली टच करेगा, उस टाइम पे आप सेल कर सकते हैं। 36 को टच करने की बजाय आप 35.999 के बिड लगाएं, ताकि आपका ऑर्डर जल्दी सेल आउट हो जाए। उसके बाद अगर और नीचे जाता है तो 27,400 के ऊपर तब भी हमें बाय करना है, इस पॉइंट के ऊपर भी बाय करना है, इसके नीचे यहाँ मिडल में आता है तब भी बाय करना है, और नीचे आता है तब भी बाय करना है। अगर आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो अब मान के चलो 2,000 या 3,000 यहाँ पे लगा रहे हो, यहाँ पे आ रहा है 2,000 और लगाओ, यहाँ पे आ रहा है 1,000 फिर से बाय करो, यहाँ पे आ रहा है बाकी की अमाउंट जितनी है उसको आप यहाँ पे बाय कर लो। तो हमें इस हिसाब से ऊपर हर एक डिप में बाय करना है, ताकि इन केस अगर यहाँ पे 36 पे दोबारा नहीं जाता, अगर यहाँ से 32 के पास भी जाता है, तब भी हम प्रॉफिट में हो। एटलीस्ट चाहे 1,000 रुपये प्रॉफिट ही क्यों ना हो या 500 रुपये प्रॉफिट ही क्यों ना हो, हमें अपना ट्रेड जो है वो लॉस में नहीं रखना है, हमें ट्रेड अपना जो है हमेशा प्रॉफिट के अंदर रखना है। तो बाय कब करना है, एटलीस्ट 32 पे या 27,400 के ऊपर। इस टाइम के ऊपर बाय करना है नहीं, रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से अगर जाएगा भी तो 37 के बाद 40-41 के ऊपर चला जाएगा, तो ऑब्वियसली एक रिस्की ट्रेड हो जाएगा, क्योंकि चांसेस नहीं है इसके ऊपर जाने के। यहाँ पे भी आपको एक अच्छी खासी जो है वो रेजिस्टेंस देखने को मिली है, बहुत बार इसने इस पॉइंट के ऊपर देखो यहाँ पे टेस्ट किया है, तो इस पॉइंट के ऊपर टेस्ट करने के बाद वापस से नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पे जब आपको 36 पे मिलेगा, तब भी मैं नहीं कहूँगा कि आप इसको बाय करो, एटलीस्ट 36 से थोड़ा नीचे आने दो, जो लास्ट प्राइस था 34 तब बाय कर लो, 32 पे बाय कर लो, 27,400 पे बाय कर लो। सो ये सारे मैंने आपको बाइंग जोन बता दिए। इसके रिलेटेड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसी लगी है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी और क्रिप्टो करेंसी के फंडामेंटल्स को जानना चाहते हैं, तो देन आप तो भी मेरे को बता सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर, चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फॉलो कर सकते हैं मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट की ऐसी और इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। थैंक यू।